लक्षण की व्याख्या करें, व्याख्या करें। देखेंगे जल संसाधन का उपयोग हम किन किन कामों में करते हैं और भारत में कितना संचित जल है और कितना पीने योग्य है और 2050 तक कितना बच जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बढ़ती जनसंख्या का हम जो है पीने के जल भी नहीं छोड़ पाएंगे। देखेंगे कुछ कैसी सदी है 22वीं सदी में, आप देखेंगे कि भारत में नब्बे से बानवे प्रतिशत जल का उपयोग कृषि कार्यों में होता है, कृषि कार्यों में होता है और 5% उद्योग में, 5% उद्योग में और 5% घरेलू काम में। देखेंगे भारत में जो 100% जो है संसाधन है जल का, ये इसका जो है उपयोग हम इस प्रकार करते हैं। देखेंगे जल ही जीवन है कहा जाता है, जल के द्वारा जैविक मानव और पर्यावरण सब एक दूसरे से जो है आश्रित है। हर जीव जितने हैं जल, अगर जल नहीं है तो मानव जीवन संभव नहीं है। जितनी भी प्राकृतिक में वस्तुएं देखते हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि जल के द्वारा ही उसमें शीतलता प्राप्त किया जा सकता है, नमी की प्राप्ति हो सकती है। अब जल नहीं हो तो मकान नहीं बनेगा, जल नहीं रहे तो मकान नहीं बनेगा, सीमेंट कहां से, उसमें सीमेंट में पानी बिना मिलाए तो बनेगा नहीं। तो यानी ऑक्सीजन, जल का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। अब वो मिलेगा कहां, अगर सूर्य का प्रकाश भी नहीं रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा, महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जल संसाधन का उपयोग सोच समझकर मानव जीवन में करना है, क्योंकि हमारे यहां इतना जल का दुरुपयोग होता है जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसे संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। आप देखेंगे जल का उपयोग हम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में करते हैं, एग्रीकल्चर में हम नहर बनाकर करते हैं, पंपिंग सेट जो नलकूप के द्वारा किया जाता है, तालाब के द्वारा किया जाता है या कुएं के द्वारा हम जल का करते हैं। दो तरह के जल हमारे हैं, एक सतही जल है जो नदी द्वारा तालाब द्वारा हम प्राप्त करते हैं, दूसरा जल हमारे यहां है नलकूप के द्वारा जो है भूमिगत जल और उसका हम उपयोग करते हैं। देखेंगे हरित क्रांति क्षेत्रों में सतही जल का भी काफी उपयोग हुआ है और भूमिगत जल का भी काफी उपयोग हुआ है, इसलिए जल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है, पीने का जल स्वच्छ बच नहीं पाया है। आप देखेंगे कि इस जल के लिए, जल में आज कई तरह के मिनरल जो है इसमें मिल गए हैं, घुलनशील हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के नदी में मिलेगा, तालाब में मिलेगा, तो उसमें जो जीव होंगे वो जीव मरेंगे निश्चित तौर पर। आप देखेंगे भूमि में जब हम प्रयोग करेंगे फर्टिलाइजर का तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो फसल होगा लेकिन उसके जीव मर जाएंगे निश्चित तौर पर। तो हम जल का जो उपयोग करते हैं वह कि खेती में हम ज्यादा क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमको खाद्य पदार्थ मिलता है, हम खाने के लिए उसी से हम वस्तुएं का निर्माण करते हैं। इसके बाद से देखेंगे आप कि ये कृषि में कई तरह से, बगानी कृषि में भी और खाद्यान्न फसल के रूप में भी हम इसका जल का उपयोग करते हैं। अधिक जल के उपयोग करने से आप देखेंगे कि मिट्टी का भी उर्वरा समाप्त हो रही है, इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे तटीय प्रदेशों में या हरित क्रांति क्षेत्रों में
या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आप देखेंगे नलकूप के ज्यादा होने से जलस्तर नीचे चला गया है। पटना का ही जलस्तर अधिक हो गया, बहुत नीचे चला गया है। पीने के लिए पानी जो है खोजने में 200, 250, 300 जाएंगे तब मिलेगा। तो हम अपने लिए 300 फीट के लिए, लेकिन आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारा जल पटना का बहुत कम बच जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी को हम जल छोड़कर जाएंगे जी? नहीं जाएंगे छोड़ करके। तो वो पिएगा क्या? अब इन पटना के पानी बहुत जगह पीने लायक नहीं है, बहुत जगह पटना के पानी पीने लायक नहीं है। बोतल का पी रहा है, आरो लगा कर पी रहा है वो एकदम। आप देखें गांव में जाएंगे ऐसे ही चापाकल चलाइए फटाफट पानी मिल जाता है। लेकिन अब बहुत से गांव में भी प्रदूषित हो गया है जल, वो 20 फीट पर पीने लायक पानी नहीं है। अब 60 फीट से नीचे, 100 फीट से नीचे जाइएगा तब जाके पीने वाला जल मिलेगा। पहले गांव में जॉन्डिस वगैरह नहीं होता था, देखते होंगे, अब आजकल गांव में भी जॉन्डिस हो रहा है। आप देखेंगे वो पानी से, क्योंकि हम लोग गांव में पीते थे पानी, चापाकल चलाए पी लिए तो कहां कुछ होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब देखिए गांव में भी बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है, वहां भी गांव में लोग आरओ लगा रहे हैं। जस्ट जस्ट सुख सुविधा मिल रही है, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हो गई, देखिए हर चीज सुविधाएं ले रहे हैं हम। प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखेंगे आप प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं उसका उपयोग मानव करता है, लेकिन जल का सबसे ज्यादा उपयोग करता है, क्योंकि एक मिनट नहीं रह सकते हैं। अभी फट से हमको प्यास लगेगी तुरंत हम पियेंगे, है कि नहीं? पीते ही रहते हैं। अच्छा तो गर्मी आने दीजिए, बोतल ले लेकर बैठिएगा आप लोग, एसी चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? गर्मी के लिए गर्मी के लिए एसी चलाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये जल जो है पीने से लेकर के आप देखें घरेलू काम में हम कितना करते हैं, 5% उपयोग करते हैं। घरेलू काम में हम उपयोग 5% करते हैं, क्या किस चीज के लिए? खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, हम घरेलू काम के उपयोग में लाते हैं। और उद्योग में हम कारखाने के निर्माण करने जो बनेगा उसका, उसके बाद से रॉ मटेरियल में मिलाने का भी काम आता है। और जो भी फैक्ट्री चलता है वो जल से ही चलता है। बॉयलर जानते हैं, बॉयलर फटता है तो देखेंगे गोरखपुर गोपालगंज में फटा था, 6 आदमी मर गया। बॉयलर इंस्पेक्टर भी होता है, वो चेकिंग करता है। तो आप देखेंगे कि बॉयलर में जो है जल ही रहता है, क्योंकि गाड़ी गर्म नहीं होगी। आप कार चला रहे हैं, कार में देखिए पानी डालते हैं एकदम। अब तो पहले तो एकदम जाइए 10 किलोमीटर गए फिर पानी डालना शुरू हो जाता था पहले के गाड़ी में, अब तो एक बार डला गया अब नहीं डालना पड़ता है। अब वो दूसरे तरह का पानी आ गया है। हाँ, वो एक बार डालिए 6 महीना साल भर निश्चिंत रहिए, चल रही है गाड़ी, चल रही है। तो तरीके एक एक तो संरक्षण के लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, पानी दे दनादन पानी, जैसे गाड़ी रोका लाओ जी पहले खलासी पहले पानी डालता था, तो अब बांस लेकर के चलता था धीरे धीरे। अब पता चला पटना आने में आपका घर है छपरा, 4 घंटा लग गया। अब नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है कि पानी कम हो, बचत कम, किसी के बाद से पानी पर चलने वाली गाड़ी की भी खोज होगी, आविष्कार होगा, क्योंकि नहीं होगा तो पेट्रोल खत्म हो जाएंगे निश्चित तौर पर। पानी खत्म हो जाएगा तो एक तो प्राकृतिक संसाधन जो है ये पानी, ये भी सीमित है अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद से उद्योग के उत्पादन में, उत्पादन के लिए भी जल का उपयोग होता है। कोई भी प्रोडक्शन, हम कपड़े भी उत्पादन करते हैं तो उसमें जल का उपयोग होता है, उसके धुलाई के लिए, उसके बनाई के लिए, सारे चीज का इसका उपयोग होता है औद्योगिक में। अब आप देखेंगे कि भारत में कितना जल है, तो हम एक आंकड़े लिखा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से, देखिए भारत में कुल जल उपलब्धता 4000, भारत में कुल जल उपलब्धता 4000 बिलियन मीट्रिक क्यू हो गया,
नहीं, जिसमें जल संसाधन के रूप में सिर्फ, जिसमें जल संसाधन के रूप में 1869 बिलियन मीट्रिक क्यू है। जिसका हम उपयोग करते हैं, जल संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखेंगे, लेकिन इनमें से 630 बिलियन, अब इनमें से 630 बिलियन मीट्रिक क्यू प्रयोग में लाए जा रहे हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ये सतही जल के रूप में जाने जाते हैं, इसके अतिरिक्त 300 मिलियन, मीटर की गहराई पर संचित जल का भंडार 3.42 बिलियन नहीं, बिलियन नहीं, मिलियन लिखा हुआ है जी, कि बिलियन, एक सेकंड, बिलियन मीट्रिक क्यू है। ये 300 मीटर की गहराई पर, जो गहराई में जाएंगे तो इतने जल हमारे लिए प्राप्त है। कुल मिलाकर भारत के उपयोग के लायक 1122 बिलियन मीट्रिक क्यू है जो उपयोग में ला सकता है। भारत में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितने, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी है भारत में, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1704 मीट्रिक क्यू है। 1335 मीट्रिक क्यू प्रति व्यक्ति होने की संभावना है, प्रति व्यक्ति होने की संभावना है। यह जल अभी के लिए पर्याप्त है 50 तक के लिए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जल में कमी आ जाएगी और प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी कम हो जाएगी। उसके बाद स्वच्छ जल की
उपलब्धता बहुत कम रहेगी। आज भारत में भी देखिए अभी जांच हुआ है दिल्ली का, पटना का, सब जगह का, तो जल की कंडीशन क्या है आप देख ही रहे हैं, स्थिति अच्छी नहीं है। हम पानी यहीं कहीं पीते हैं, देखिए उठा हम जाते हैं हम लोग पानी पीने, हर जगह का पानी हम लोग नहीं पी पाते हैं, पता ही नहीं, विश्वास ही नहीं होता है। अब हो सकता है इससे बीमारी हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आदमी चाहता है कि अपना ही घर का पानी पिए निश्चित तौर पर, या कहीं आरो वरो लगा है तो वहां का पीता है आदमी। तो ये देखेंगे आप, आरो लगाने के बाद भी पानी की जो है स्थिति अच्छी नहीं थी पटना का, कुछ एरिया में जो दिया था सिंपल दिया था, अब कहां कहां का सिंपल लिया था पता नहीं, अब वो जानता है, होता है कि कहीं गंदे पानी का सिंपल ले लिया जैसे चल रहा है वहां दिल्ली में। नहीं जी, ये कह रहे हैं कि पानी हम स्वच्छ दे रहे हैं, वो कह रहा है नहीं देखिए पानी खराब है। हाँ फॉलो नहीं किया गया है, क्या 10 पेल है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ 10 तो सैंपल सैंपल फेल होगा, जैसे कि पानी प्रदूषित हो रहा है ना, कैसे प्रदूषित हो रहा है, जैसे पानी नीचे कैसे जाता है, वर्षा का जल है तो वर्षा के जल में देखेंगे आप जल चक्र चलता है, एक जल चक्र आप लोग को ऑप्शनल में पढ़ना होगा ठीक ना, जल विज्ञान चक्र, जल विज्ञान चक्र चलता है। जैसे आसमान से पानी आता है तो सबसे ज्यादा जो है बारिश कहां चला जाता है, समुद्र में, लेकिन वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण होता है तो सीधी धरती पर से सबसे ज्यादा आसमान में चला जाता है पानी, और फिर वही पानी आता है तो नीचे जाता है तो किससे होकर जाता है, छनते छनते यहां पर गंदे पानी है वो भी नीचे जा रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का सारा गला भी नीचे जा रहा है, वही पानी फिर आता है तो हम पीते हैं और आप पीते हैं, तो जहरीला पानी नहीं होगा निश्चित तौर पर। आप निकाल लीजिए 20-40-100 फीट के नीचे अगर पानी मिलेगा नहीं, अगर कहीं 150 फीट के नीचे मिलता है तो आप देखेंगे कि वो पानी पीने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो आप देखेंगे हम जिसका उपयोग करते हैं निश्चित तौर पर उसी के द्वारा जब हम लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं और वो दुरुपयोग हमारे ऊपर आके पड़ता है, कहीं ना कहीं बीमार होते हैं निश्चित तौर पर से, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो आज हो गया टाइम, तो आज रहने देते हैं, कल इसको जो है और नहीं संरक्षण पढ़ाना है, संरक्षण जल संरक्षण पढ़ा करके इसको लिखाएंगे, अब उसके बाद समुद्री संसाधन को बच जाएगा तो उसको पढ़ाएंगे।